सो हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब। आज एक और नई वीडियो रन बीटीएस फनी एपिसोड्स के बारे में। रन बीटीएस के कुछ ऐसे फनी मोमेंट जो हम आपको हिंदी में बताएंगे। तो फनी मोमेंट नंबर वन, रन बीटीएस एपिसोड 28 में हमारे जंगकुक स्वीट पोटैटो को पकाते हैं और उसे एक प्लेट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो स्वीट पोटैटो प्लेट को ही चिपक जाते हैं। और उसके बाद जंगकुक को सभी को दिखाते हैं और कहते हैं ये एक मैजिक है, और सभी बीटीएस मेंबर्स का रिएक्शन काफी ज्यादा फनी होता है। अरे चल पूछ पूछ चल चलो चासोंग इंगा यो यारों साजी साजी यारों गोगुमा चलो बोलने का चलो चलो यारों 진영! 그래, 내가 진영! 아, 지금 막 이런 순수한 재미 어때요? 웃음 점수 10점 드리겠습니다. 역시 웃겨. 이게 운전대처럼 절대로 짜는 게 아니에요. 집중을 했습니다. 음식에 이름이 있나요? 이러면 이거 보시면 뭐가 생각나요? 아 이거 뭐 저는 개인적으로 삼삼 빙고가 떠오르네요. 그쵸, 그래서 빙고구마. 빙고구마. 네 아쉽네요. 이 탁구 선수가 키친 탁구. 저희는 첫 번째 점이 두 번째 점이 위생. 이 팀은 첫 번째 뭘까요? 첫 청결. 청결 두 번째. 접청결. अब आर्मी आपको लग रहा होगा कि ये नकली है, लेकिन ये सच में हुआ था। अब सभी बीटीएस मेंबर्स उस प्लेट में से स्वीट पोटैटो को निकालते हैं और खाते हैं। अब देखिएगा, और वो खाने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। हमारे शेफ जिन हमें बताते हैं। ने सारी तो क्यों नहीं हो ये ये मैसिंदे गुंगुमे ना जितना मैसिंदे ओ ओतन मैसिंदे 중세지대입니다. 아 그럴까요? 중세지대입니까? 중세지대. फनी मोमेंट नंबर 2, रन बीटीएस 51 में सभी बीटीएस मेंबर्स अपनी राइड एंजॉय कर रहे होते हैं और उन्हें गेम खेलना होता है, लेकिन शुगा और जॉब काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाते हैं। फनी मोमेंट नंबर 3, रन बीटीएस 145 में सभी बीटीएस मेंबर्स को रॉयल आर्मी से छुपना होता है, तो हमारे जेहोप के पास रॉयल आर्मी आती है और जेहोप उनसे छुपने के लिए पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं, लेकिन वहां उनको रॉयल आर्मी दिखती है। बाद में जेहोप इतनी ज्यादा तेज भागते हैं ना, मतलब आप खुद ही देख लीजिए। फनी मोमेंट नंबर 4, रन बीटीएस एपिसोड 106 में हमारे शुगा को फर्स्ट प्राइज मिलता है, लेकिन वो प्राइज इतना ज्यादा डिफरेंट होता है कि जिसे देखकर सभी बीटीएस मेंबर्स अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते। Remember the
이거 네. 아, 지금 시고요. 휴대폰 대기화면입니다. 대기화면입니다. 네. 이거 너무 웃겨가지고. 아, 진짜요? 대기화면 했는데. 네. 야, 우리 아티스트 접견실에 두자, 이거. 야, 아, 이거 나. 여러분, 작품명 한번 붙여주시죠. 저거 뭘까요? 아, 작품명. 이거 저번에 작품명 신인 배우였었잖아요, 신인 배우. 아, 신인 배우. 아, 네. 여러분, 앞으로도 열심히 활동할 테니. 많이 아니, 이걸 왜 나한테 선물을 주고, 근데. 야, 이 진짜 대박이다. 요거는 이제 접견실에 걸어두는 걸로 하겠습니다. 아니, 잘 나왔어요. 상품을 한 이유는 요 사진 찍고 나서 보고 있으면 되게 기분 좋아진다라고. 맞아요, 맞아요. 아, 진짜. 아, 이건 되게 힘들 때마다 한 번씩 봐야 돼. 접견실에 잘 걸어둘 테니까 여러분들이 항상 회사 와서 힐링을 하고 어색한 표정입니다. 저는 모든 통수로서 이 사진이 오늘의 가장 베스트 사진입니다. 아, 이거 100점 줘야 돼. 이거 100점 줘야 돼. 100점 드리겠습니다. 아, 이길 수가 없는 사진이에요, 저 사진. 진짜. 아. फनी मोमेंट नंबर 5 रन बीटीएस एपिसोड 28 में सभी बीटीएस मेंबर्स को कैरियोके गाना गाना होता है तो वहां पर तीन टीम बनाई जाती है जेहोप जिमिन की वी और सुगा की जंगकुक जिन और आरएम की तो वी और सुगा के बाद आरएम जिन और जंगकुक की टीम की बारी आती है सबसे पहले तो काफी ज्यादा अच्छा गाना गाते हैं लेकिन उसके बाद आरएम और जिन को क्या हो जाता है पता नहीं वो बहुत ही अजीब तरीके से गाना गाने लगते है तो गाइज यही थे कुछ रन बीटीएस के फनी मोमेंट ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको सबसे ज्यादा फनी कौन सा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा तो गाइज यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा और सारंगी।